فاتح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا و مولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريتهم ومبغزي شيتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صلوات پڑھے محمد والا ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروہ بنت توقیر حسین مرحوم مرحومہ صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل اعظمی مرحومہ فخر النساء بیگم بنت محسن رضا مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی مرحوم سید محمد محسن ابن سید محمد احسن مرحوم سید توقیر حسین ابن محمد شبیر حسین مرحوم سید جاوید رضا ابن علی اطہر و جملہ مومنین و مومنات کی روح ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیق طہرہ سلام اللہ علیہ میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی ان دنوں مجالس سے بی بی دو عالم میں شرکت در حقیقت ہمارا اعلان ہے اس بات پر کہ مدینے میں اس سخت گھڑی میں اگر ہم ہوتے تو کس طرف ہوتے اور یہ در حقیقت اعلان براءت ہے اعلان دشمنی ہے تمام ان لوگوں سے جو در علی سے دور ہیں تمام وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے زمانے سے ذات پیغمبر سے دشمنی کی میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ لوگ جو صدیق طہرہ سلام اللہ علیہ پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے تھے یہ در حقیقت وہی لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا الیوم یئس الذین کفروا جب علی کو ولی بنا دیا گیا تو کفار مایوس ہوئے تھے
और ये कुफार इस कदर मायूस हुए थे कि इन्हें पता था कि अब दीन मिटने वाला नहीं है, लिहाजा पूरी कोशिश ये थी कि रूह दीन, जान दीन, नफ्स दीन, रुकनुल औलिया, रुकनुल औसिया इमाम अली के अलकाब में से, रुकनुल औलिया तमाम औलिया जिस ज़ात के सहारे खड़े हैं उस ज़ात का नाम अली मुर्तज़ा है। इसी रुकन को ख़त्म कर दिया जाए, इसी रुकन को नाबूद कर दिया जाए ताकि दीन को जैसा हम चाहें और जिस जानिब हम चाहें बनाम दीन लेकर जाएं। लेकिन वाकयन इन जालिमों के हिसाब में नहीं था कि ऐसा भी होगा कि जब हम अली से बैत लेने जाएंगे, जब हम अली को कत्ल करने जाएंगे तो सैयद आलमियान सामने आ जाएंगी। ये वाकयन बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने इन काफिरों का, इन मुशरिकों का तमाम हिसाब किताब बिगाड़ दिया था, जो इनके जहनों में प्लानिंग थी कि बहुत आसानी से हम घर पे हमला करेंगे। नहीं सोचा था कि सिद्दीक़ ताहरा सलामुल्लाह अलैहा सेपर बनकर मौलाए मुत्तकियान के लिए आ जाएंगे। वाकयन आप, मैं रवायत देख रहा था, मैंने जो इब्तिदा किया ना कि ये लोग ज़ात नबी से दुश्मनी रखते थे दीन में, और ये है तारीख़ में। देखिए बहुत अच्छे तरीके से तारीख़ को समझा जा सकता है कि कुछ लोग फतह मक्का के पहले के मुसलमान हैं, कुछ फतह मक्का के बाद के मुसलमान हैं, और कुछ दीन समझ के नहीं आए। वो दीन में इसलिए आए कि अब दीन के ज़रिए कमाया जाए। तो वो जो फरमा रहे हैं, एक तरीका होता है दीन कबूल करने का, ये ताजिरों वाला दीन, कि अगर दीन की बातें चल रही हैं तो चलो हम भी दीन के बारे में दो मिसरे पढ़ते, चलो हम भी दीन की वाह वाह करते हैं। जब दुनिया दीन सुन रही है, जब दुनिया दीन, लिहाजा हमारे यहाँ रवायत में मैं देख रहा था इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान नमाज के बाद सजदे शुक्र में जाए, ये दुआ बहुत मुख्तसर सी है, याद करिए इस दुआ का सवाब। ये आठवें इमाम फरमाते हैं अगर इस दुआ को कोई सजदे शुक्र में पढ़ेगा तो अल्लाह उसका शुमार उन लोगों के हमराह करेगा जिन्होंने पैगंबर के साथ पैगंबर की राह में जिहाद किया था। वो दुआ बड़ी मुख्तसर सी है लेकिन माना खेज़ दुआ है। अल्लाहुम्मल, खुदा लानत करे अल्लज़ीना, उन लोगों पर, बदलू जिन लोगों ने तब्दील किया दीन का, तेरे दीन को, वग़ैरा नेमतक, और तेरी नेमतों को तब्दील किया, और उसके बाद का जो जुमला है मैं आपकी खिदमत हूँ, वत्तहम नबीयक, और जिन्होंने तेरे नबी को मुत्तहम किया। अब गौर फरमा रहे, नबी को मुत्तहम किया, चूँकि आप पूरी रवायात जब उठा कर देखिए ऐसी ऐसी रवायतें मौजूद हैं कि तौहीन रसूल के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों की किताब से उठाइए तौहीन रसूल होती चली जाती है, आप दूर नहीं जाइए, उन्हीं रवायात को उठाइए जो नकल किया, जिन रवायात के बारे में साहब ने लिखा कि कोई रवायत मैंने इस किताब में नहीं लिखी मगर ये कि उससे पहले गुस्ल किया, फिर वज़ू किया, फिर इस्तखारा देखा, तब मैंने रवायत लिखी। इतनी मेहनत से जो रवायत लिखी गई उन रवायत में रसूल की तौहीन हुई। तो ये फरमाने उस उन रवायात में रसूल की तौहीन, जा गुस्ल हुआ, वज़ू हुआ, और साहब ने इस्तखारा भी देखा, और उसके बाद रसूल को मुत्तहम किया। और उसकी भी एक वजह है, साजिश, अगर वक्त होता तो मैं आपकी खिदमत में बताता, चूँकि रसूल का जानशीन किसी को अगर बनाना है तो तुम इन्हें तो रसूल जैसा नहीं बना सकते, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हो कि रसूल को इन जैसा बना दो। पता नहीं बात वाजे नहीं वाजे हुई, ये ख़ुद रसूल के जैसा इन्हें तो नहीं बना सकते लेकिन पूरी साजिश ये की जाती है कि रसूल को इन जैसा बना दो कि रसूल भी गुनाह करते थे, रसूल भी अलयाज़ु बिल्लाह खाकम बदहन। वो रवायात जो मिंबर से पढ़ने लायक भी नहीं है कि उन रवायात को पढ़ा जाए जो तौहीन रसालत हुई है। ये क्यों हुआ? ये दीन को तब्दील करने की कोशिश की गई, ये दीन को बदलने की कोशिश की गई। वहाँ पर एक ज़ात उठी जिसके बारे में पैगम्बर ने फरमाया था, या फ़ातिमा
इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिक व इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरज़ाक फ़ातिमा। खुदा उससे नाराज़ है जिससे तू नाराज़ है, खुदा उससे राज़ी है जिससे तू राज़ी। माना अजीब है। मैं एक रवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ ताकि एक बशारत आपके लिए भी हो कि अय्याम फ़ातिमिया में जो आप मजालिस में शिरकत करो, खुदा की कसम बीबी सलामुल्लाह अलैहा की 4-5 मजलिसों में शिरकत करने के बाद कभी जहन में नहीं आया कि हमने बहुत कुछ कर दिया। हमने कुछ नहीं किया। बीबी सलामुल्लाह अलैहा वो ज़ात है जिसके बारे में रवायत में मिलता है कि जब वारिद महशर होंगी बीबी, वो भी एक अजीब मरहला होगा। वारिद महशर जब शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा होंगी, क्या आवाज़ आएगी? या माशर अल खलाइक, ए तमाम मखलूकात आलम। अब वहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया गया, अम्बिया हों औलिया हों, सब जो भी मखलूक खुदा है, क्या कहा जाएगा? गुज़ू अबसारकुम व नक्कसू रुहूसकुम, अपनी आँखों को बंद कर लो और अपने सर को झुका लो। हत्ता तजाव वफ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, यहाँ तक कि शहज़ादी गुज़र जाएँ। किसके लिए कहा जाएगा? अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक जो महशर में जमा होंगे, सबसे क्या कहा जाएगा? गज़ू अबसारकुम, अपनी आँखों को झुका लो। व नक्कसू रुउसकुम, अपने सरों को झुका लो। एक आसान माना जो किया जाता है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा का हिजाब है, उस हिजाब का ख़याल परवरदिगार आलम को ये है कि तमाम अहले महशर अपने सर को झुका लें, तमाम अहले महशर अपनी आँखों को बंद कर लें। ये एक मरहला है, लेकिन इससे भी सख्त एक मरहला है जो इस रवायत में नहीं बयान किया जाता, वो ये कि ये जो नूर तजल्ली होने वाला है, अब इस नूर को देखने की सलाहियत तुम में नहीं है। तो वह जबर मारे, एक नूर कोहे तूर पे चमका था तो नबी मूसा गश में आ गए थे। आज वो नूर जब तजल्ली करेगा तो अहले महशर को सर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि इस नूर की जानिब निगाह नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है कि इस नूर को देख सके। ये तहरीम तकवीनी का मरहला है। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि ये नूर जो हिजाब है, ये जब आए तो तुम इसकी जानिब निगाह करो। और फिर उसके बाद में जो आपकी खिदमत, हत्ता तजावज़ा फ़ातिमा, उसके बाद का जो जुमला याम अज़ाए फ़ातिमी की, बहुत सी मजलिस है, जहाँ पे भी मजलिसें हों, मैं अपने नौजवान बच्चों से अर्ज़ करूँ, जाइए मजालिस सर बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जाना। दर हकीकत ऐलान है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा के कातिलों को रुसवा करने आए हैं, बीबी सलामुल्लाह अलैहा के कातिलों को जलील करने आए हैं। वो जिसे छुपाया जा रहा है, जिस शहादत को, हम इस शहादत को आम करने, फिर हम क्यों देखें कि कौन किसका क्या खतीब है? नहीं, जहाँ सिद्दीक़ तहरा सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस है, हमारा जाना ज़रूरी है। हम कम से कम, मैं अभी एक जगह पे अर्ज़ कर रहा था, हो सकता है आप काम से आएँ, ऑफिस से आएँ, थके हों, नहीं आइए, यूं ही बैठिए और मुझ जैसा ज़ाकिर हो तो कभी शायद आपको कहे भी नहीं कि तवज्जो फरमाइए, यूं ही बैठिए। कम से कम सियाही लश्कर बनिए, तवज्जो फरमा रहे, कम से कम सियाही लश्कर बनिए कि जब ज़हरा के कातिलों को रुसवा किया जाए तो जिस जगह किया जाए पता चले कि फ़ातिमीन आए हैं और अपनी शहज़ादी के कातिलों को रुसवा करना चाहते हैं। ये कम से कम होना चाहिए हमारे यहाँ। रवायत में है कि हत्ता तजावज़ा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जब गुजरेंगी आवाज़ आएगी, नादम नादिन सली हबीबती तोती, ए मेरी फ़ातिमा तुम आज सवाल करो, हम तुम्हें अता करेंगे। परवरदिगार आलम, मैं जो आपकी खिदमत में रवायत जानबूझ कर पढ़ रहा हूँ, चूँकि 15-16 दिन जो अज़ाए फ़ातिमी के बाकी हैं, गौर करिएगा। सली तुम सवाल करो तोती, हम अता करेंगे। मालूम है बीबी क्या सवाल करेंगी? इलाही रब्बी मुहिब्बी वशीयती, मेरे अल्लाह तुझसे बस एक सवाल है कि मेरे चाहने वालों को जहन्नम की आग से बचा दे। ये सवाल महशर में सिद्दीक़ तहरा सलामुल्लाह अलैहा का है। वशीयती व मुहिब्बी बाली, मेरे शौहर के चाहने वालों को तू बचा ले, और फिर मेरे ज़ुर्रियत के चाहने वालों को तू बचा ले,
और फिर उसके बाद मालूम है क्या जुमला है, मेरे शियों के चाहने वालों को भी तू निजात दे दे। नफ़क़त शिया, शियों के चाहने वालों के निजात की भी दुआ कौन करेगा? सिद्दीक ताहरा। उस वक्त आवाज़ आएगी, या फातिमा अल्योम इंदी लके अर्रज़ा, आज का दिन मेरे पास तुम्हारे लिए फ़कत रज़ा है, यानी जिससे तुम राज़ी हो जाओ मैं उससे राज़ी हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये भी सलामुल्लाह अलैह, ये राज़ी हो जाएं, ये राज़ी हो, पूरी कोशिश करो। खुदा की कसम इंसान पूरी कोशिश ज़िंदगी भर करता है कि खुदा हमसे राज़ी हो जाए, यही कोशिश होती है, यही कोशिश होती। बंदा किस मरहले पे पहुंच गया कि जहां खुदा अपनी रज़ा का आईना उसे बना दे। पूरी कोशिश क्या है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। यहाँ रज़ाए खुदा का महवर और मेयार किसे करार दिया गया? सिद्दीक ताहरा सलामुल्लाह अलैहा को। और सिद्दीक ताहरा सलामुल्लाह अलैहा जिस ज़ात के लिए आई हैं और जिस चीज़ के लिए आई हैं, वो इंसानियत की हिदायत है। वो ना हो तो इंसानियत गुमराह हो जाए। रवायत है, मैंने देखा, खुदा की कसम रवायत में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कि अगर हमारे जद से वो खिलाफत न छीनी गई होती तो आज तक दो लोगों का इख्तलाफ नहीं होता। यानी कायनात का जितना इख्तलाफ है सब इख्तलाफ की जड़ का नाम सकीफ़ा है। सारे इख्तलाफात, गदीर में एक इत्तेहाद था, पैगंबर ने सबसे बैत लिया था, नहीं पूछा जाएगा ये इतनी पराकंदगी क्यों है, ये कोई वज़ू ऐसे क्यों करता है, ये कोई नमाज ऐसे क्यों करता है, ये क्यों इख्तलाफ क्यों हुआ। जब बीमारी कोई आए तो एक डॉक्टर हो नहीं हो, पूछे नहीं ये बीमारी क्यों आ रही है, ये वायरस क्यों आ रहा है, ये मुश्किल क्यों आ रही है। तो जब दीन में इस तरह की बीमारी हो तो एक सवाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये मुख्तलिफ़ अकायद कहाँ से आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ मुश्किलात कहाँ से आ रही हैं। एक कुरान है, एक नबी है, एक खुदा है, इस इख्तलाफ की वजह क्या है, तो इंसान उसका जवाब ढूँढे, एक जगह मिलेगी। ये हक अगर गस्ब ना हुआ होता, जिस हक के लिए सिद्दीक़ ताहरा निकली, मासूम का कलमा है, मख्तलफ़ इसनान, दो लोगों का आपस में अकीदती झगड़ा नहीं होता, अकायद ये सारे मरहले वहीं से आए हैं। वहाँ पर सिद्दीक़ ताहरा सलामुल्लाह अलैहा ने क़याम किया, और क़याम भी ऐसा क़याम किया कि जब सारा आलम अली को छोड़कर चला गया, जब कोई अली के पास नहीं आया, उस वक्त ये बीबी अली के साथ खड़ी थी। जान इसार करना पड़े, सिद्दीक़ ताहरा ने अपनी जान इसार किया। बेटा देना पड़े, सिद्दीक़ ताहरा ने अपनी औलाद दिया। यानी जो कुछ सिद्दीक़ ताहरा सलामुल्लाह अलैहा के पास था सब कुछ कुर्बान किया। किस लिए? ताकि अली तन्हा न रह जाए, ताकि अली तन्हा न रह जाए, ताकि लोगों के लिए मिशाले हिदायत रोशन रहे। आज हमारा फरीज़ा नहीं है, आज इस दौर में अज़ाए फ़ातिमी मनाने वालों का फरीज़ा नहीं है, मजालिस सिद्दीक़ ताहरा सलामुल्लाह अलैहा में आने वालों का फरीज़ा नहीं है कि क्या करें कि ये मोहब्बत बाकी रहे। मैंने कल जहाँ गुफ्तगू छोड़ा था, क्या करें कि ये मोहब्बत बाकी रहे, क्या करें कि ये मोहब्बत ना छीन जाए, क्या करें इस नेमत से ना महरूम हो जाएँ। हमारे आमाल कैसे हों, हमारे किरदार कैसे हों कि ये मोहब्बत जो अल्लाह ताला ने सबसे अज़ीम नेमत जो एक इंसान को अता की है, वो मोहब्बत आले अली और अली है, ये मोहब्बत न छिन जाए। आज दुश्मन इसी चीज़ में लगा हुआ है कि इस मोहब्बत के सरमाए को आपसे छीन ले, ये मोहब्बत न रह जाए, फिर उसके बाद आपके आमाल बेमाना हो जाते हैं। इन आमाल की कोई हकीकत नहीं है। क्या किया जाए कि लोगों को अली से दूर किया जाए? वो कौन सी बीमारियाँ हैं, ये बहुत ज़रूरी है अज़ाए फ़ातिमी में पढ़ना, वो कौन सी बीमारियां हैं जो इंसान को अली से दूर कर देती हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं जिन बीमारियों के आने के बाद इंसान इमाम मासूम के साथ नहीं रहता। कितने लोग अली के साथ थे, रह पाए नहीं रह पाए। अदालत अली को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, अदालत अली को हर कोई बर्दाश्त कर पाता। कल मैंने उसका एक मंज़र नकल किया था
कि मौला जब तख्त खिलाफत पे आए थे बाज़ों को लग रहा था कि हम आगे आगे थे, तो ये होता है इलेक्शन में, जो आगे आगे तो उसका काम जल्दी होता है। हम तो आगे आगे थे, जब हज़रत आ गए तो अब क्या कहना, कूफे की हुकूमत हमारे हाथों में, बसरे की हुकूमत उनके हाथों में, यहाँ तो कुछ नहीं। यहाँ पहले ही ऐलान ये हो रहा है, एक दिरहम भी अगर माल हराम बैतुल माल से किसी ने लिया होगा, उससे अपनी ज़ौजा का महर अदा किया होगा, तो वो एक दिरहम भी मैं अली वापस ले लूँगा। ये तो अजीब है, आया हुआ मजमा भागने नहीं लगेगा कि ये तो हमने कोठियाँ बनवा रखी हैं। बाज़ जो हज़रत अमीर के ज़माने में ये जो 25 साल कारोबार जो हुआ है ना, कि रिश्वतें दे दे के बाज़ फ़ुकरा जिनके पास खाने को कल नहीं था, आज उनकी 11 हवेली बसरे में है। मैं पूरी तारीख पढ़ रहा हूँ, फ़कत इशारतन पढ़ रहा हूँ। 11 हवेली बसरे में है तो 18 हवेली जो है कूफे में है, तो 500 ऊँट हैं तो क्या हैं, क्या ये कहाँ से आपके पास 500 ऊँट आ गए, ये कहाँ से आपके पास 11 हवेलियाँ आ गई, ये ऐसी मीरास छोड़ कर गए हैं कि जब ये इस दुनिया से गए हैं तो सोने कुल्हाड़ी से तोड़े गए थे। ये लोग अली के साथ रह पाएंगे जिन्होंने माले हराम को इस कदर जमा कर रखा था। वो मौला आए, जो आने के बाद बाजू ने आकर अली से मालूम है क्या डिमांड किया, ये अली फ़कत हमारा वजीफ़ा और शहरिया बढ़ा दीजिए। ये पूरी बात इस वजह से अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह की बेजा तवक्कोहात इमाम वक्त से हमारी भी ना हो जाए। ये अली आप तो जितना शहरिया और जितना वजीफ़ा हमारे ग़ुलाम को देते हो उतने ही हमें भी आदत हो जाती है, बाज़ों को VIP ट्रीटमेंट की आदत हो जाती है। ये मजलिस और महफिल में भी समझते हैं कि एक अलग मसनद, एक अलग जगह, आइए सर आप यहाँ तशरीफ़ रखिए, यहाँ पर आप कौन हैं, यहाँ पर सब ग़ुलाम फ़ातिमा हैं। तो वजह बर्बाद है, मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था, यहाँ आवाम आते ही नहीं, यहाँ खवास आते हैं। तो वह जो फरमा रहे हैं यहाँ आवाम कहाँ आते हैं, यहाँ जो आते हैं वो खवास आते हैं, वो आदत बनी होती है ज़हनियत की। वो बाज़ों को बार बार अपने आप को समझाना चाहिए, है दुआ है। इमाम सज्जाद फरमाते मेरे अल्लाह मुझे लोगों की निगाह में जितना अजीज़ बनाता जाना, अपनी निगाह में उतना जलील बनाता जाना, ये बहुत ज़रूरी है। वगरना हम अपनी निगाह में पहले इतने इज़्ज़तदार बन जाते हैं कि हमें हर जगह कमी लगता है कि अभी हमारा एहतराम थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा और ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो हज़रत की हुकूमत में भी बाज़ों को यही तवक्को थी। नाम आप सब जानते हैं, अहले मजलिस हैं, दो लोग आए। अब और आसान कर दूँ, आने के बाद हज़रत अमीर से फरमाया या अली ये हमारा ग़ुलाम है, ये भी उतनी ही पाता है, हम भी इतनी ही पाते हैं। तो जो फरमा रहे हैं किस वक्त आए थे, रात की तारीकी में आए थे। हज़रत ने चराग गुल कर दिया, कमौला ये क्या किया, कहा अब तक बैतुल माल का काम हो रहा था तो चराग बैतुल माल का था, अब तुम्हारी मेरी ज़बान से सुनिए, अब तुम्हारी ये बेहुदा बातों के लिए बैतुल माल का चराग नहीं जलेगा। आने वाले समझ गए जो चराग का तेल ना जला सके वो हमें वजीफ़ा कैसे दे देगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, यहाँ चराग बुझा दिया जाता हो कि अब कौन सी बातें तुम करने हो, अपनी बातें करने आए तो ये बैतुल माल का चराग क्यों जलेगा। वाहिद बैतुल माल अली के ज़माने में था जहाँ हर जुमा को ख़जाने में झाड़ू लगाया जाता था और दो रकात नमाज मेरा मौला उस ख़जाने की कोठरी में पड़ता था। ये वाहिद बैतुल माल था, वगरना हुकूमतें क्या करती हैं, जमा करिए काम आएगा, हुकूक जाने दो गरीबों के मिस्कीनों के। ये वाहिद था जहाँ जुमा को झाड़ू लगाकर दो रकात तुम्हारा मौला नमाज पढ़ता था। मतलब समझ रहे हो, अली के साथ आते बहुत लोग हैं लेकिन अली की अदालत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये मदीना भी जानता था, ये मदीने में बाज जो मौला के लिए खड़े नहीं हुए ना, इनमें से बहुतों को इस बात के बारे में पता था। और क्यों पता था उसे भी सुन लीजिए, यमन का वाक़ हज्जतुल वदा। बाज़ मौर्रखीन ने खुदा की कसम इस कदर खयानत की है दीन के साथ, हज्जतुल वदा को जब लिखना शुरू किया ना, ये अय्याम हज़ाए फ़ातिमी, तो इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि पैगम्बर फ़लाँ मकाम पर पहुँचे, पैगम्बर ने वज़ू फरमाया, फ़लाँ मकाम पर पहुँचे दायाँ पैर पैगम्बर ने आगे किया,
फ़लाँ मकाम पे पहुँचे, पैगंबर ने दो रकात नमाज पढ़ी, फ़लाँ मकाम पे पैगंबर ने खजूर तनावुल फरमाई, फ़लाँ मकाम पर ये हज्जतुल वदा को सब लिखते हैं। लेकिन इस मुअर्रिख ने नहीं लिखा कि जब फ़लाँ मकाम पे पहुँचे तो मजमे से कहा रुक जाओ, जो आगे गया है बुला लो, जो पीछे रह गया इंतज़ार करो। पैगंबर के तनावुल खजूर को तो तुमने लिख दिया, लेकिन पैगंबर ने जब मन कुन तो मौला फहादा अली मौला कहा तो जो फरमाई, अजीब कौम है, खुदा की कसम अजीब खयानत है। तारीख लिखने बैठे हो, तारीख लिखने बैठे हो, सबसे अजीम वाकया जो इस पूरे हज्जतुल वदा में हुआ था उसे नहीं लिखा, पैगंबर की खजूरें लिखी, पैगंबर के वजू लिख के और उसके बाद दीन पहुंचा रहे हो। इस तरह दीन पहुंचता है। तो इसी हज्जतुल वदा में हज़रत अमीर पैगंबर के साथ नहीं थे, पैगंबर के साथ नहीं थे, क्योंकि यमन भेजा था पैगंबर ने। हज़रत अमीर एक छोटा सा काफिला लेकर यमन, पैगंबर हज्जतुल वदा के लिए मक्के, हज़रत अमीर को यमन से आना था मक्के पैगंबर से मुलाकात और आमाल हज अंजाम देना। तो गौर करिएगा ताकि आपको पता चले कि जिस इमाम का इंतज़ार कर रहे हो ना, वो बेजा की तवक्कुहात जो अपने मौला से रखे हो वो मत रखो कि नहीं मौला अब हमने भाई का हक मारा है, मारा ही सही, लेकिन आपका मातम कर ले रहे हैं बस। आप नहीं, ये अदालत है इमाम के ख़िलाफ़, ऐसे समझिएगा, बहुत अहम मरहला है। दो रकात नमाज ज़्यादा पढ़ के भाई का हक माफ़ नहीं होता, पता नहीं बात वाजे हो नहीं, बाज़ों को समझ में आता है कि दो तीन रकात एक्स्ट्रा नमाज़ पढ़ लेंगे तो मामला हल हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। किफूहुम फ़इन्नहुम मसूलून, रोको इन्हें, इनसे सवाल करना है, और बड़ा सख्त जगह है मालूम है बात जगह पे जब रोका जाएगा। देखिए, अगर मैं आपकी खिदमत में आपको बात निकलती चली जा रही है, अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा हो ना तो 150 किसी के ऊपर उधार बाकी हो तो आप याद भी नहीं करते क्योंकि हर तरफ से आ रहा है। लेकिन अगर लॉकडाउन लग जाए फिर उसके बाद आप ढूंढते हैं, अरे उन्होंने 50 रुपया लिया था, उन्होंने 100 रुपया लिया था, उन्होंने 200 रुपया लिया था, ये कहते अब तक क्यों नहीं याद आया था, कब तक आ रहा था। इसी तरह कयामत में भी होगा, कयामत में मामला तो अब आमाल का बंद हो गया, अब पता चला हमारे पास कुछ है नहीं, अब हमारे हक हैं किसी के पास, पता नहीं बात वाजे नहीं, और खुदा रोक देगा, कहेगा कि इनका हक अदा करके जाओ। अब वो शायद दुनिया होती तो आदमी माफ़ करके चला जाता, कयामत में आपकी ज़बान में कहूँ वो खुद कड़की में है, वहाँ तो वो छोड़कर जाने वाला है नहीं, वो रोकेगा कि मेरा हक अदा करके। रवायत कहती है अल्लाह ताला कहेगा इनका हक अदा करो, अच्छा वहाँ हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्या दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा देखो इनके नेक आमाल हैं, कहाँ हैं, कहे नेक आमाल दे दो, कब तो हक बाकी है, नेक आमाल ख़त्म हो गए, कह इसकी बुराइयाँ इसके नाम अमल में डाल दो। मतलब समझ रहे हैं, उन मवाकिफ से पहले जिनके हुकूक गर्दन पे हैं उन्हें अदा कर दो ताकि कल कयामत में ना खड़े किए जाओ, तो वजह फरमा रहे हैं। लिहाजा ये पूरा मरहला, ये पूरा मरहला हज़रत यमन से पहुँचे, मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँ, हज़रत यमन से पहुँचे और वो काफिला जो हज़रत के साथ गया था ना, हज़रत ने कहा तुम लोग चूँकि इतनी सुरात के साथ नहीं आ पाओगे, अकेला पहुँचना बहुत आसान होता है, हज़रत नहीं चाहते थे कि पैगंबर के बग़ैर कोई एक मनासी के हज अंजाम दें, लिहाजा हमराही ये पैगंबर में तमाम मनासी के हज को अंजाम। ये काफिला जो हज़रत के साथ गया था, मौला के साथ गया था, ये बाद में आया, हज़रत मक्के पहले पहुँचे। अब ये जब काफिला यमन से आया है, ये सुनिएगा, इस काफिले ने वो कपड़ा जो यमन में बउनवान ज़कात मिला था, वो जो बैतुल माल के लिए कपड़ा मिला था, ये काफिले को लगा कि हम तो मौला के साथ गए थे यमन तक, ये खूब वो ड्रेस पहन के, यमन का लिबास ऐसे ही मशहूर, यमनी चादर ओढ़े, मक्के के करीब हज़रत अमीर से मुलाकात हुई, हज़रत ने फरमाया कपड़ा कैसा है, वही कपड़ा है जो मिला था बैतुल माल के लिए। हज़रत ने फरमाया फौरन ये कपड़ा उतारो, जब तक ये कपड़ा बैतुल माल में नहीं चला जाता, पैगंबर के हाथों से तकसीम नहीं हो जाता, उस वक्त तक इस कपड़े का कोई मालिक नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, जो हज़रत अमीर इन कपड़ों को उतरवा ले उसके साथ मजमा ज़्यादा नहीं आएगा, पता नहीं बात वाजे नहीं, उसके साथ मजमा नहीं चलने वाला। आके शिकायत किया इन लोगों ने,
आके रसूल अकरम से शिकायत किया। मौलाए मुत्तकियान की फरमाया, या रसूल अल्लाह, अली ने अजब कर दिया। कहा क्या किया? कहा हम कपड़ा पहन के आए तो जो यमन का, हमसे कहा ये कपड़ा उतारो चूँकि ये तुम्हारा हक नहीं बनता है। हजरत ने अजीब जुमला फरमाया, कफा इन्नहू, अजीब ये जुमला, आकाश में इसका माना कर सकूँ, फ़ाइन्नहू खशनुन फी ज़ातिल्लाह, अली ये तो बर्दाश्त कर सकता है कि अली का हक पामाल हो जाए, लेकिन अली कभी ये नहीं बर्दाश्त करता कि खुदा का हक पामाल हो जाए। अगर खुदा का हक पामाल होगा तो वहाँ अली क़याम ज़रूर करेगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि फ़इन्नहू ममसूसुन फी ज़ातिल्लाह। अब इस अली के साथ मजमा नहीं आने वाला, आप तवक्को ना रखिएगा कि मजमा हज़रत अमीर के साथ चलेगा। कैसे चलेगा ये बेचारा मजमा? इस मजमे को आदत हो गई जुल्म करने की, इस मजमे को आदत हो गई माल हराम खाने की, इस मजमे को आदत हो गई हुकूक़ को ज़ाय करने की। वहाँ तो हर हक पर आपको रोक लिया जाएगा। लिहाजा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंसान को अली के साथ नहीं चलने देता, जहाँ वक्त का अली तन्हा हो जाता है, जब लोगों के दिलों में मोहब्बत दुनिया इस कदर सवार हो जाए कि वो दुनिया के लिए सब कुछ बेचने को तैयार हो जाएं, ये लोग अली के साथ दो कदम नहीं चल पाते। ये लोग अली के साथ नहीं चल सकते खुदा की कदम। और कहीं दुनिया का माना ये नहीं है कि आप फटा पुराना कपड़ा पहनिए, जोहद का ये जो माना किया जाए बिल्कुल नहीं। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छी गाड़ी से चलिए, बस इस्लाम एक शर्त लगाता है, मालूम है क्या? सब हलाल हो। पता नहीं बात वादे नहीं वादे, बस इस्लाम एक शर्त लगाता है। कब इस्लाम ने आपको बिरयानी खाने से रोका है? कहा खाओ, लेकिन क्या होनी चाहिए? हलाल होनी चाहिए। दीन ये नहीं कहता कि आप बाज़ों को, वो झूठा मूठा तकवा सवार होता है ना, ये ताज़ी रोटियां भी सुखा के खाते हैं, ये जोहद नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। फटा पुराना कपड़ा, अगर आपके पास अच्छा कपड़ा, आप अच्छा कपड़ा पहनिए। ये सारी नेमतें अल्लाह ने काफिरों के लिए बनाई, आपके लिए बनाई हैं। ये दुनिया की सारी नेमतें मोमिनीन के लिए बनी हैं, लेकिन मोमिनीन को चाहिए ये कि नेमतों को दिल न दे बैठे कि कल अगर इन नेमतों में और अली में टकराव हो जाए तो अली को छोड़कर इन नेमतों के पास चला जाए, सारी नेमतों को ठुकरा दे अपने मौला के लिए, तो अली वाला बनता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन तमाम चीज़ों को पामाल करिए। और वाकई यही है कि इंसान इस मरहले में हो। जनाब अबाज़र के पास कुछ लोग रात में, आप सुन लीजिए बात, अली के साथ कुछ लोग छोड़ते नहीं और कुछ लोग अली के साथ आते ही नहीं, आएंगे ही नहीं। एक बड़ा अच्छा जुमला किसी ने कहा था, वो पर्शियन बहुत बड़े मौलाना, तो उन्होंने फरमाया कि अली के अंदर दो ताकत है और दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुव्वत दाफिया, कुव्वत जाज़बा। आप देखें हमारे यहाँ दुनिया में भी दो ताकत है, जाज़बा जिसकी वजह से इस दुनिया ने सबको संभाल रखा है, एक कुव्वत दाफिया जिससे दूर किया जाता है। बहुत से आपके बदन के अंदर कुव्वत दाफिया भी है, कुव्वत जाज़बा भी है। खाना जो आप खाते हैं, ये जो जज्ब होता है, ये कुव्वत जाज़बा, ये ख़राब हो जाए तो कहते हैं खाना हज़म नहीं हो रहा है। इसी तरह कुछ चीज़ें जो नुकसान होती हैं बदन के लिए, इसको जो कुव्वत उठाकर बाहर करती है, जो आपके बदन से दूर करती है, इसको कहते हैं कुव्वत दाफिया। वो फरमाते अली के अंदर ये दोनों ताकत जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुव्वत जाज़बा इतनी है कि किसी को दार पर भी चढ़ा दिया जाए, वो नाम अली लेना बंद नहीं करता। तो वजह फरमाने नहीं, जनाब मीसम दार पे चढ़ा दिया गया, लेकिन जज्ब अली ऐसा है, जज्जाबियत अली ऐसा है कि कहा अली से बरात करो, कब कैसी बातें करते हो, हाथ काटो पैर काटो, लेकिन जब तक जबान रहेगी जिक्र अली नहीं रुकेगा। और कुव्वत दाफिया भी ऐसा है, बाजों पर मौला ने इतने एहसानात किए, इतने एहसानात किए कि खुद उन्होंने कहा अगर अली न होते तो वो आए नहीं और कुछ गए नहीं। ये दोनों ताकतें आ गई है, बाजों को भेजा कि चले जाओ, कहा नहीं मौला, वक्त आखिर शहादत का वक्त है। मौला ने एक सहाबी से कहा क्यों रुके हो? कहा मौला दिल नहीं मानता कि आपको छोड़कर चला जाऊं।
ये कुव्वत जाज़बा है या नहीं है? ये कुव्वत जाज़बा के साथ कौन रहेगा? एक बात कहूँ, थोड़ा से मैच होना चाहिए ना। अगर इमाम आदिल के साथ रहो ना तो अदालत थोड़ा से हो, नहीं तो दिल नहीं लगेगा। बाजू का देखिए, कभी दिल नहीं लगता। ये चीज़ें बहुत करीब से, एक बच्चे से कहिए 6 घंटा मैच देखो, देखता है आराम से। 3 घंटा देखो, आराम से देखते। क्यों? क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट है उसका। जहाँ इंटरेस्ट हो ना थकावट आती है, तो जो फरमा रहे हैं ना आंखें दुखती हैं, ना ये लगता है कि ये इतना टाइम एक्स्ट्रा क्यों हो गया। क्यों नहीं लगता मालूम है? थोड़ा से आप और वो मैच करते हैं, तो बताइए बात आते हैं। उन्हीं लोगों को थोड़ी देर मस्जिद में लाइए ना, 10 करोड़ बदलते हैं। अरे कहाँ, ये बेचारा थक गया। क्यों मालूम है? मैचिंग नहीं है। इसको चौराहे पे बगैर कुर्सी के 10 घंटा आप खड़ा करो, न इसके पैरों में दर्द होता है, न इसकी कमर में दर्द होता है, न इसको गर्मी लगती है। लेकिन एक ऐसी जगह पहुंचा दो जहाँ पे जिक्र अहले बैत हो रहा हो, तो वहाँ पे पंखा देखता है, गर्मी देखता है, सर्दी देखता है, क्योंकि ये बात मैच नहीं करती। अब तो मतलब समझो, अगर अदालत अली, अगर इबादत अली, अगर इफ़त अली की हल्की सी झलक तुम्हारे वजूद पर शुआएं पड़ गई, तो सारी दुनिया मिलकर तुम्हें अली से दूर नहीं कर सकती। और अगर ये सिफत नहीं आई तो सब कुछ मिलाकर कोई तुम्हें अली से करीब नहीं कर सकता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद मोहम्मद। फिर कोई ताकत तुम्हें अली से करीब नहीं कर सकती है। क्यों? ये मोहब्बत दुनिया। जनाब अबू ज़र के पास रात की तन्हाई में, मालूम है जनाब अबू ज़र को याद करके मौला रोते थे। बड़ी बात है, अली किसी के लिए रोएं। अली कहते थे आईना मार आईना जो शहादतैन, इन्हें अली याद करते हैं। अबू ज़र के लिए हज़रत रोते थे। किसी ने कहा मौला जनाब अबू ज़र के लिए रो क्यों रहे हैं? कहा तुम्हें पता है, एक दिन, ये मौला ने नकल किया, एक दिन जब अबू ज़र के घर 3 दिनों से फाका हो रहा था। कितने दिनों से? 3 दिन। जब पेट भरा हो, माले हराम ना खाएं, तो हमारे दुनिया में यही बहुत बड़ी बात है। और भूखे पेट तो हम पता नहीं क्या कर जाएं। तो जो फरमा रहे हैं का 3 दिन से अबू ज़र के घर फाका हो रहा था। रात के सन्नाटे में हाकिम वक्त की जानिब से 2 थैलियाँ अशरफी की भेजी गईं अली वालों को अपनी तरफ लाने के लिए। एक बेहतरीन ज़रिया जो दुश्मन के लिए मालूम है क्या है? माल हराम आम कर दो। माल हराम आम हो जाएगा, इमाम वक्त तन्हा हो जाएगा। मैं ये बातें वक्त कम होने की वजह से रवायात नहीं पढ़ रहा हूँ। माल हराम का काम क्या है, ये असर आशूर जाकर सुनो। जब जनाब ज़ैनब ने मौला इमाम हुसैन से फरमाए, भैया आप खिताबत कर रहे हो, आप खुतबा दे रहे हो, फिर भी इन ज़ालिमों के कानों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इमाम ने क्या फरमाया? या उख्ता कद मुलियत बुतूनहुम मिन मालिल हराम, चूँकि इनके शिकम माल हराम से पुर हो चुके हैं। मतलब समझ रहे हैं, हुसैन की बात असर नहीं करती अगर माल हराम शिकम से पूर हो। ये बड़ा सख्त मरहला है और ये आम किया जा रहा दुनिया में। आप देखिए, ये आम किया जा रहा। मैंने कई मरतबा इस बात को कई जगह पे कहा कि अगर चाहते हो ये नस्ल अली वाली रहे, तो अपने घर में जो ला रहे हो उसे बहुत देख कर और तलाश करके लाओ। ये बच्चे 1 रोटी कम खाएंगे क्या हो जाएगा? अगर आपको कोई बता दे कि आज मलाड मालूनी में 2-4 पाकिट दूध की जहर मिली हुई आ गई है, 2-3 पाकिट, 1000 पाकिट आई है लेकिन उसमें 2-3 पाकिट, आप क्या कहते? कहते नहीं, आज चाय में दूध नहीं पड़ेगा तो चलेगा। क्यों? इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते कि कहीं वो पाकिट उसी में से ना हो जहाँ जहर फैला हो। अगर हमारे बच्चे के जिस्म की बात आ जाए तो हम उस दिन दूध नहीं पिलाते जहाँ पर रूह हमारे बच्चे की असरअंदाज होती हो। वो माल हराम कैसे आप अपने घर में ला सकते हैं? ये बच्चा तो बेचारा नहीं जानता। जनाब अबू ज़र के पास 2 अशरफ़ी की थैलियाँ लाई गईं, ये आपके लिए
खलीफे वक्त ने भेजा। पहला सवाल, देखिए ये बहुत ज़रूरी सवाल है। पहला सवाल, क्या इतना माल तमाम मुसलमानों को मिला है? क्या इतना माल दीगर तमाम मुसलमानों को मिला? कहा नहीं, ये ख़ास कर खलीफा ने आपके लिए भेजा है अपने अमवाल ताहरा में से। एक जुमला फरमाया, कहा कि मैं बेनियाज हूँ। अली वालो अपने आप को समझो, मैं बेनियाज हूँ। हर दौर में अशरफी की थैलियाँ आती हैं, करेंसी थोड़ा फ़र्क करती है, पता नहीं बात वाजे नहीं। अभी भी आप इंतज़ार करें, नहीं हमने तो चांदी का सिक्का नहीं लिया, नहीं डॉलर में आ गया, बात वाजे, करेंसियाँ चेंज हो जाती है। आप कहें नहीं हमारे तक तो कोई इतनी किसी ने नहीं, ये मरहले वही हैं। कई सब मुसलमानों को मिला, कहा नहीं सबको नहीं मिला, आपके लिए ख़ास कर है। कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। कहा आप कह रहे हो ज़रूरत नहीं, आपके घर में है क्या? तो मुझे फरमा रहे हैं, एक जुमला कहूँ आपकी खिदमत में, अगर अली वाले होना तो अली तुम्हें इतना बेनियाज बना देंगे कि तख्तो ताज तुम्हारे दर पे आएगा, ठुकरा दोगे। लेकिन अली वाले बन के बताओ, तवज्जो फरमा रहे। कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कहा ये ख़ास कर कहे मुझे नहीं ज़रूरत है, ले जाओ। और जाने वालों को फिर बड़ा हसीन जुमला फरमाया, कहा तुम क्या समझते थे ये दो अशरफी की थैली से तुम अली की मोहब्बत मुझसे ख़रीद सकते हो? खुदा की कसम अगर तुम पूरी कायनात लेकर आ जाओ तो मैं अली के सर के एक बाल को नहीं बेचूंगा। तो ये है, ये माल हराम के ज़रिए आपकी ज़िंदगी। कुरान कहता है तुम्हारे अमवाल में, तुम्हारी औलाद में शैतान शरीक होता है। ये शैतान क्यों शरीक होता है? ये इसीलिए शरीक होता है ताकि विलायत अली को आपके दिल से निकाला जाए। अपने घर की हिफाजत करो ताकि वक्त का कोई अली तन्हा न रह जाए। कब? जब रिज़्क़ के हलाल। वगरना बाज़ रवायात में पैगंबर फरमाते हैं, या अली मन अकल माल हराम। अली अगर कोई माल हराम खाता है उसके कई असर हैं। एक असर मालूम है क्या है? मा तकल बहू। माल हराम का पहला असर है कि दिल मुर्दा हो जाता है, दिल मुर्दा हो जाता। आप उससे कहिए ये करो, कहता कैसी बात करो मौलाना आप। माँ तकल बहू, मुर्दा दिल हो जाता है। वज़ौफ़ यकीन हो, उसका यकीन कमज़ोर हो जाता है। देखा है आपने ऐसे लोगों से बात करिए, कयामत है कब्र है, कहते देखा जाएगा, क्योंकि उनको किसी बात का यकीन नहीं है। ज़ौफ़ यकीन हो, वह कल्लत इबादत हो, उसकी इबादत कम हो जाती है। वह हुजबत दावत हो, वो दुआ करता है अल्लाह दुआओं को कबूल नहीं करता। वह खरकत दीन हो, दीन की सारी बातें उसके लिए पुरानी होती है। कहते क्या लगा रखा है ये आप लोगों ने, ये करो वो करो, ये आप नहीं कह रहे हो। ये जो आपके शिकम में माल हराम है वो ज़बान बनकर आकर तुमसे कह रहा है। आप जाइए आज मॉडर्न लोगों से पूछिए, अरे मजलिस में चला रहे हो क्या हर हफ्ता मजलिस में? आप नहीं कह रहे हो, आप नहीं कह रहे हो। यो माल हराम ने अपना असर दिखाया है जिसने तुम्हें फर्श मजलिस से दूर रखा है। ये बहुत असर करता है। लिहाजा अगर अली के हमराह रहना है, अली के हमराह रहना है। अय्याम अज़ाए फ़ातिमी का सबसे बड़ा दर्स ये है कि कभी अली को तन्हा ना छोड़ना, कभी अली को तन्हा ना छोड़ना। क्योंकि अगर तुमने अली को छोड़ दिया फिर उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी का कोई माना नहीं रह जाता। पैगम्बर फरमाते मन अरादा अयोह या हयाती व यमू तो मौती फल यतवल्ले अली इब्न अबी तालिब। पैगंबर फरमाते अगर कोई ज़िंदगी वैसी गुजारना चाहता है जैसी ज़िंदगी मैंने गुजारा है, अगर किसी को मौत वैसी पाना है जैसी मौत मैंने पाया है, फल यतवल्ले अली इब्न अबी तालिब, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो विलायत अली के कबूल करे। ये इसीलिए सिद्दीक ताहरा सामने है, और इसलिए आई सिद्दीक ताहरा, और तमाम जुल्म बर्बरियत अपनी जगह थी, लेकिन सिद्दीक ताहरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं और आने के बाद वो खुदबात इरशाद फरमाए, वो खुदबात इरशाद फरमाए कि खुदा की कसम इंसान दंग है कि इनके बारे में बातें क्या करे। जब आए बीबी के पास सलामुल्लाह अलैहा के पास, तो बीबी ने क्या फरमाया? तुमने वो राबता तोड़ दिया जो तुम्हारा नबी से राबता था। ये जुमला बड़ा माना खेज, वक्त तमाम हो गया, आखिर में ये जुमला बस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। बीबी सलामुल्लाह अलैहा फरमाती वो राबता जो नबी का तुमसे था, यानी तुम जो नबी के उम्मती थे ना, बाद लोग इफ्तिखार करते हम नबी की उम्मत है, नबी की उम्मत
उसी वक्त तक हो जब तक अली के साथ हो। पता नहीं बात वाजे होने वाजे। नबी वो जो रवायात है कि नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे और उम्मत का हौज़े कौसर पे इंतज़ार करेंगे, ये उसी उम्मत का इंतज़ार करेंगे जो अली के साथ है। पता नहीं बात वाजे नहीं वाजे। बीबी सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हूँ पूरा राबिता टूट गया जो तुम्हारा नबी से था, चूँकि तुमने नफ्स नबी को छोड़ दिया, तुमने उस ज़ात को छोड़ दिया जिसके लिए नबी ने इकरार किया था। लेकिन हाँ, ज़रूरी है मेरे दोस्तों, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझो, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझो। किस तरह विलायत को आम करना है, किस तरह सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा के इस मिशन को आम करना है। ये अज़ाए फ़ातिमी 18, 20, 25 जितने दिन भी मनाई जाए, इसमें कोशिश करो कि उन दलीलों को याद करो, उन बातों को याद करो, उस मिशन को याद करो जो सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा लेकर चली थी। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आज भी जितने लोग मज़हब हक़ को कबूल करते हैं, मामले फिदक को सुनने के बाद अब तक जितने लोग मज़हब हक्का में आए हैं, किसी और बात पर मज़हब शिया में लोग नहीं आए। ये वो मामला है जहाँ इंसान दंग हो जाता है, रसूल की बेटी उसको हक़ नहीं दिया गया, रसूल की बेटी की कब्र मालूम नहीं है, रसूल की बेटी के घर में आग लकड़ियाँ जलाई गईं। ये वो चीज़ है जो खुदा की कसम कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, लेकिन बाज़ों ने तासुब की ऐनक पहन रखी है, वो इन बातों को नहीं बताते। दूसरों के लिए तो कम से कम जहन्नम में मत जाओ। तो जो फरमा रहे हैं वो 1400 साल पहले लोगों की हमायत में क्यों ख़ुद को जहन्नमी बना रहे हो, क्यों सैयद नसाइल आलमीन को अब से अपने आप से ग़ज़बनाक कर रहे हो, क्यों ज़ात को जो शाफ़े रोज़ महशर है उसके हक़ को बयान नहीं कर रहे हो। लेकिन सारी बातें एक तरफ है, अपनी ज़िम्मेदारी को समझो, अपने दुश्मनों को पहचानो। अज़ाए फ़ातिमी यानी अली के दुश्मनों को पहचानना, अज़ाए फ़ातिमी यानी दीन के दुश्मनों को पहचानना, अज़ाए फ़ातिमी यानी उन तमाम लोगों को पहचानना जिन्होंने कौम में इख्तलाफ पैदा किया है, अज़ाए फ़ातिमी यानी उन तमाम दुश्मनों को पहचानना जिन्होंने दीन को आकर तब्दील करने की तमाम कोशिश की है, अज़ाए फ़ातिमी यानी उन दुश्मनों को पहचानना जो कुरान के मुताबिक युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, जो नूर इलाही को ख़ामोश करना चाहते थे लेकिन इस नूर इलाही को ज़हरा ने ख़ामोश नहीं होना। मुदाफ़े इमामत बनकर ज़हरा सामने आ गई और बड़े ज़ुल्म हुए, बड़े सितम ढाए गए। खुदा की कसम बीबी सलामुल्लाह अलैहा पे किस कदर ज़ुल्म है। मैं एक रवायत देख रहा था, पता नहीं इस रवायत को आप महसूस कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। जब बीबी सलामुल्लाह अलैहा दरबार गई, ये जुमला काफ़ी है ना, कहाँ जहरा कहाँ दरबार। रवायत है कि पर्दा आवीज़ा किया गया, बीबी सलामुल्लाह अलैहा जब बैठने लगें तो फरमाया आह आह। ये जो जुमले हैं ना, नहीं समझ पाया मैं ये जुमले क्यों फरमाए। फिर याद आया कि जिस बीबी की पसलियाँ टूट जाए ना, वो जब बैठती है तो बैठा नहीं जाता। अल्लाह ज़हरा बड़े सख्त इम्तिहानात से गुजरी है, खुदा की कसम बड़े सख्त इम्तिहानात से गुजरी है, पसलियाँ टूटी है। लेकिन एक जुमला कहूँ, बीबी आप मदीने में दरबार में गई, पर्दा आवीज़ा किया गया, मदीने की औरतें आपके साथ थीं, आपने गिरिया किया तो साथ में उन्होंने गिरिया किया, लेकिन हाय रे शाम का वो दरबार जहां शराबियों का मजमा था, तेरी बेटी रसन बस्ता खड़ी थी, कोई तारुफ कराता था पहचानो ये ज़ैनब है। अजरकुम अल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर अपनी रहमत दाजिल करे। बजर बाब अदा दरबार से कैसे घर तक आई है मुझे नहीं पता, लेकिन अरबाब अदाब हर नमाज में फ़कत एक दुआ करती है, इलाही अज्जिल वफाती, इलाही अज्जिल वफाती, मेरे अल्लाह जहरा को जल्द मौत अता कर दे।
अल्लाह ये क्या हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन बीबी मौत की दुआ कर रही है। अली के चेहरे पे जो मजलूबियत है ना, वो अब जहरा से देखी नहीं जाती। सारे दर्द बर्दाश्त कर लिए लेकिन चेहरे अली पे जो मजलूबियत के आसार है वो बर्दाश्त नहीं हो। अजरकुम अल्लाह बसरबाबा, बड़ा सख्त बराला है। खुदा की कसम आज मैं नहीं तो समझ पा रहा हूँ कि मसाहिब कहाँ ख़त्म करूँ। बीबी सलामुल्लाह, एक मरहला आया मालूम है, मैं एक जुमला कहूँ आपकी खदमत में। अंसार की बाज़ औरतें आईं बीबी सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में। इस पूरे माजरे के बाद आने के बाद फरमाया, बीबी कोई हुक्म हो तो दीजिए, बीबी हम आपके किसी काम आ सकते हैं या नहीं, बीबी हमसे कोई काम ले लीजिए, हम आपकी खिदमत करना चाहते। बीबी ने फरमाया, जाओ चलिए जाओ, हमने तुम्हारे घर के लोगों को मदद के लिए बुलाया, वो लोग नहीं आए। कभी भी हाथ जोड़ते कोई काम ले लीजिए। मालूम है जहरा ने क्या कहा, अब आप तसव्वुर करिए, बीबी सलामुल्लाह अलैहा फरमाती, अगर हो सके ना, इतना इसरार कर रही हो, अगर हो सके तो मुझे सहारा देकर मेरे बाबा की कब्र तक पहुँचा सके, मुझे सहारा देकर मेरे बाबा की कब्र तक पहुंचा दो। अल्लाह, 18 साल की बेटी बाप की कब्र पे जाने के लिए कहीं सहारा मांगती है, कब्र ज़्यादा दूर नहीं थी, अंसार की औरतों ने सहारा दिया, कब्र के करीब लाई हैं। अब जब कब्र के करीब पहुंची ना, बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, ए बीबी अब तक तो सहारा ले रही थी, कभी तुम्हें पता नहीं है अगर मेरा बाबा मुझे इस हाल में देख लेगा, हाय मेरी सहारा को क्या। बस एक जुमला को, बीबी आज बाप की कब्र पे जाने के लिए अंसार की औरतों का सहारा मिल गया, जरा करबला में शाम गरीबा चली आओ, एक बच्ची है कुर्ते में आग लगी है, बाप का जनाजा ढूंढ रही है, हाय मेरा बाबा का, एक जनाजे से आवाज आई, एलैया एलैया, ए मेरी लाडली। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सवाए गम अहले बैत के। अजीब मरहला है अरबाब अज़ा, बाप के जनाजे से कैसे आई बाप की कब्र से मुझे नहीं पता, लेकिन अब घुट घुट कर रोती है, जुमला सुनिएगा, घुट घुट कर रोती है, नहीं चाहते बच्चे माँ को रोता हुआ देखे। जहरा के लिए 75 और 95 दिन बसर करने बड़े सख्त थे, चूँकि ज़ख्मों को छुपाना भी था। नहीं एक जुमला कहो, अगर अहले मजलिस हो तो समझ जाओ, रुखसार को भी छुपाना था ताकि तमाचों के निशान बच्चे न देख पाए। खुदा न करे किसी बेटे के सामने माँ को तमाचा मारा जाए, जो मंजर तुम्हारे। सादात मुझे माफ़ करिएगा, खुदा की कसम बड़ा सख्त मरहला है। इसीलिए तो जब किसी ने इमाम हसन से कहा, मौला रोते तो सब हैं जहरा की शहादत पे, लेकिन जो रोने का अंदाज आपका है वो सबसे अलग है। फरमाते, जो मंजर मैंने देखा न मेरे बाबा अली ने देखा न मेरे भैया हुसैन ने देखा। अजरकुम अल्लाह, बस माँ है, बिस्तरे बीमारी पर है, बच्चे बारहा जाकर कब्र रसूल पे दुआ करते हैं। एक दिन ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया, वो जहरा जो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, वो बीबी जो दीवार के सहारे सहने खाना में चलती थी, आज उठी है, बच्चों के लिए खाना तैयार किया है, अपनी औलाद की नवाजिश की है। अब आपका दिल क्या कहता, मुझे इंसाफ से बताइए। कोई बहुत दिनों से जब उठ ना पाए ना, अब जब उठ जाए तो दिल को तस्कीन मिलती है। हाँ हमारी माँ ठीक हो गई, लेकिन इन बच्चों ने एक मंजर वो भी देखा, जब आए तो माँ नजर नहीं आई। फरमाया, मिर्ज़ा आईना उम्मना, हमारी माँ का है, कहो सुजरे में आराम कर, कहीं हमारी माँ के आराम का वक्त नहीं है। बदल माँ बेदा हुजरे में दाखिल हुए, अजीब मंजर देखा, माँ के चेहरे
पे कपड़ा है, अब जो कपड़ा हटाया माँ इस दुनिया में नहीं है वह उम्मा, वाह उम्मा कहते हुए बच्चे निकले। अमामा फेंका, रवायत कहती है बच्चों को आता देखकर बच्चों ने कुछ कहा नहीं, फकत सर पे अमामा नहीं था, उम्मा उम्मा कह रहे थे। फकाम अली, अली खड़े हुए, फवका अला वजह ही, अली मुँह के बल गिर गए। ये बात है खैबर जहरा की शहादत के बाद अली मुंह के बल गिर गए। अजरकुम अल्लाह बदल बाबे अदा आए हैं वसिल्ली कफिंडी दफिंडी, बस कदम की आपने गिरिया कर लिया, गफल गुस्ल दिया, कफन पहनाया, बच्चों से इल्तमास किया था, मेरे बच्चों बुलंद आवाज में ना रोना, मौला मदीना है, करीनी माँ की वसीयत है, कुछ लोग जनाजे में शिरकत न कर पाए। अल्लाह अब जाओ खाने जहरा में तसव्वुर करो, घर के एक गोशे में ज़ैनब सिसकियाँ भर रही है, दूसरे गोशे में उम्मे कुलसूम रो रही है, धीरे धीरे रो रही है, लेकिन जिस अली ने सबको बुलंद आवाज से रोने से मना किया था वही तुम्हारा मौला अकबर था, चीख मार वही बोला, चीख मारता है, हाय कैसा मंजर था, जहरा की टूटी पसलियां, जहरा ने जिक्र न किया। बदर बाब अदा वो मरहला भी आ गया। अब आपने मंजर देखा होगा ना, छोटी छोटे बच्चे हों बच्चियाँ हों, माँ को कफन पहना दिया गया हो, अब मुँह ढाका जा रहा है, बच्ची कितनी हसरत से अपनी माँ को देख रहे हो कि ना अब माँ ना मिलेगी, अब ना मिलेगा माँ ना मिलेगी। एक मरतबा अली ने कहा हलुम्मु या बुनिया, ए मेरे बच्चों करीब आ जाओ, बच्चों करीब आ जाओ। बस बच्चे करीब आ गए, अली की मजलूमियत पे रोऊँ या जहरा के जनाजे पे रोऊँ, बच्चों को गले से लगा लिया, बच्चों अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। बस एक लाल था माँ का, आके पायती खड़ा हो गया, बाबा जब तक अम्मा न बुलाएगी हुसैन न जाएगा, बंदे का बल टूटे, ए मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा, मलाइका में कोहराम था, या अली हुसैन को जुदा कर लो। अली ने बड़ी नवाजिश के साथ हुसैन को माँ के जनाजे से जुदा किया। मैं कहूँगा मौला या बेटे को माँ के जनाजे से जुदा किया, जरा करबला में आ जाना, एक चार साल बच्ची बाप के जनाजे से लिपटी है, वहाँ जमत लाराम, अरे कोई दुर्रे मारता है, कोई तमाचे मारता, बच्ची पुकारती है। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بعد الله تجي تلك حق واسطة آل محمد کی حق واسطہ ہمیں جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، حاضرین سے بانیان سے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، ہماری قوم کے بچوں کو جوانوں کو نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سب کو حج زیارات سے مشوف فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل انصاف یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے
मरहुमा उम्मे फरवा बिनते तौकीर हुसैन, मरहुमा सफदरी बेगम बिनते सैयद मोहम्मद वकील आज़मी, मरहुमा फ़खरुन्नसा बेगम बिनते मोहसिन रज़ा, मरहूम सैयद मोहम्मद वकील इब्ने सैयद अली नकी, मरहूम सैयद मोहम्मद मोहसिन इब्ने सैयद मोहम्मद अहसन, मरहूम सैयद तौकीर हुसैन इब्ने मोहम्मद शब्बीर हुसैन, मरहूम सैयद जावेद रज़ा इब्ने अली अतहर व जुमला मोमिनीन व मोमिनात की। السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد